नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या आप अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे एक वीडियो के अंदर जो है हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं ओपन कार्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी बिना किसी कोडिंग और प्रोग्रामिंग के। और आज के अपने इस वीडियो में हम इसी की सीरीज़ में एक आगे कुछ वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये एक वेबसाइट जो है हमने बनाई है यहाँ पर ओपन कार्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, और हमने इसके ऊपर एक थीम अप्लाई किया हुआ है। और ये एक मल्टी वेंडर जो है वेबसाइट है ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेलर को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जस्ट बेसिक हमने इसके ऊपर थीम अप्लाई किया है, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से की जाती है उसके बारे में जो है हम आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे। देन फर्स्ट जो है यहाँ पर आप राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो करेंसी है वो US डॉलर है, और US डॉलर के अलावा कोई दूसरी करेंसी भी यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है। तो ये करेंसी जो है हम किस तरीके से चेंज करते हैं ये आज अपने इस वीडियो में सीखते हैं, और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है इसकी बाकी सारी सेटिंग्स भी सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करेंगे, और हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट के बाद में डैश लगा के एडमिन लिखते हैं। जो भी एडमिन की लिंक होती है उस लिंक पर हम जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो है वो एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इसके ऊपर टाइप करना है, और उसके बाद में जस्ट लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसके ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने जो है ओपन कार्ड का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे बटन्स हैं। तो ये जो हमें गियर का जो आइकन यहाँ पर दिख रहा है, ये वाले जो आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाती है। सेटिंग्स के अंदर जो है हम यहाँ पर देखते हैं लोकलाइजेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और लोकलाइजेशन के इस ऑप्शन के अंदर ही जो है यहाँ पर हमें करेंसीज दिख जाती है। जस्ट हमें इस करेंसी वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम करेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है करेंसीज का ये विंडो ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें एक नई करेंसी जो है वो ऐड करनी है। जस्ट हम ये प्लस का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर करेंसी का जो है वो टाइटल हम लिखेंगे, और यहाँ पर करेंसी कोड और सिंबल जो है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बाकी जो है उसकी वैल्यू वगैरह यहाँ पर करेंगे, और स्टेटस जो है वो उसका हम इनेबल करेंगे। तो मैं ये डिटेल फिल कर देता हूँ। ये डिटेल फिल करने के बाद में जो है हम सेव के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर हमें अपर कॉर्नर पे जो है राइट साइड में दिख रहा है। जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमारी जो करेंसी है जो हमने ऐड की है अभी जस्ट, वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद में जो है अब हमें इसको डिफ़ॉल्ट करेंसी के रूप में सेव करना होगा, और इसको डिफ़ॉल्ट करेंसी में सेट करने के लिए अगेन जो है हम सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और सेटिंग्स के अंदर जो है हमें यहाँ पर हमारा स्टोर जो है वो दिख जाता है, जो कि हमारी वेबसाइट की URL के साथ में। जस्ट एडिट वाले ये जो बटन यहाँ पर दिख रहा है इस बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम एडिट का बटन जो है उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है हमारे स्टोर की सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। जस्ट हम लोकल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर जो लोकल वाला एक टैब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैब हैं, लोकल्स हैं, ऑप्शंस हैं, इमेजेस है। तो ये जो लोकल वाला है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। लोकल पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं US डॉलर जो है वो सिलेक्टेड है। तो US डॉलर को जो है हम चेंज करेंगे, और उसको हम इंडियन रुपीज़ उसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमने ये यहाँ पर देखिए इंडियन रुपीज़ जो है हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, एंड देन इसको सेव करेंगे। तो अभी जो है हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी इंडियन रुपीज़ हो चुकी है, और
अगेन जो है हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लोकलाइजेशन पे जाएंगे और लोकलाइजेशन के बाद में जो करेंसी हमने बनाई थी उसी टैब में जाएंगे। क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो हमने चेंज कर दी है, तो जो बची हुई करेंसी है, अगर हम चाहते हैं कि ये करेंसीज भी हमारे साइट पर रहे तो हम इनको रखेंगे, अगर नहीं चाहते तो हम इनको चूज़ करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है जो करेंसी हमें नहीं रखनी उनको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारी करेंसी चेंज हो जाती है। हमारे स्टोर के फ्रंट पे भी हम जाकर देखेंगे तो हमें वहाँ पर हमारी पूरी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में दिखाई देगी। हम वेबसाइट के फ्रंट पैनल पे आ गए हैं, देन वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो करेंसी वाला सिंबल था वो यहाँ से हट चुका है, बिकॉज़ हमने एक सिंगल करेंसी ही इसके ऊपर अप्लाई की है, तो इसलिए करेंसी चूज़ करने का ऑप्शन जो है वहाँ से हट गया है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस हैं वो प्राइस यहाँ पर आपको रुपीज़ के सिंबल के साथ में दिख रहे हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो अब इंडियन रुपीज़ हो गई हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि है ओपन कार्ड के ऊपर हमने जो वेबसाइट बनाई है उसकी करेंसी जो है हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट लोगो है उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।